सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा। देखो अर्चना, घर की चार दीवारी में झगड़ा करना अलग बात है और पुलिस में, कोर्ट में लीगल कंप्लेंट दर्ज करवा लेना अलग बात है। अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, सोच लो। नहीं कर पाओगी ना अर्चना, नहीं कर पाओगी। लेकिन क्या करें, यही एक रास्ता है मानव की आजादी का। मैं जानता हूं अर्चना, ये मुश्किल है, पर तुम्हें करना पड़ेगा, मानव के खातिर करना पड़ेगा। करोगी ना अर्चना? चुप क्यों हो, जवाब दो ना। तुम मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट, इसका मतलब है धर्मेश के खिलाफ कंप्लेंट, सतीश के खिलाफ कंप्लेंट, जयवंत के खिलाफ कंप्लेंट, यहाँ तक कि अपने आप के खिलाफ कंप्लेंट। कर पाओगे अपने होने वाले पति के खिलाफ कंप्लेंट? ये वही जयवंत है जिसने तुझे तेरे अतीत के साथ अपनाया है। मेरी पहचान जयवंत के साथ ये शादी बेटी। सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी तुझे इन दोनों के साथ बात करिए ना, वो हमारे पति हैं, जरा उसका तो ख्याल कर। तमाशा लगा रखा है। अगर इंसाफ की बात करना तमाशा है तो ये तमाशा हम करते रहेंगे और उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक मानव सही सलामत जेल से छुटकर बाहर नहीं आ जाता। बकवास बंद करो। मैनेजमेंट ने तुम सबको वादा किया था जो मानव को जमानत पर छुड़ाएगी, और मैनेजमेंट अपने इरादे पर आज भी कायम है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। अरे पिछले कई दिनों से मैनेजमेंट सिर्फ कोशिश तो कर रही है लेकिन रिजल्ट के नाम पर गोपाल बहुत बेवकूफ बना चुके हैं आप लोग। अब और नहीं, एक मिनट, ये सब कायदे कानून की बातें, यहाँ पलक झपकते रिजल्ट्स नहीं मिलते, और तुम लोग बिना कुछ जाने समझे मैनेजमेंट की बातों पर अविश्वास कैसे दिखा सकते हो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बार बार की ये हड़ताल, ये आंदोलन मैनेजमेंट पर दबाव नहीं डाल सकते। तुम लोगों से कैसे निपटना है मैंने तय कर लिया। आज के बाद जो भी काम करने से इनकार करेगा और इस बेमतलब के आंदोलन में शामिल होगा से उसी वक्त काम से निकाल दिया जाएगा। अंडरस्टैंड?
सतीश कहाँ है? सतीश, सतीश देखा तुमने बाहर क्या हो रहा है? वर्कर्स ने फिर से विरोध शुरू कर दिया है, वही हड़ताल, वही आंदोलन। इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को काम से बाहर निकाल दूंगा। निकाल दो, हर एक को नौकरी से निकाल दो। कोई भी आदमी जो हमारे खिलाफ बोलता है उसे कंपनी से निकाल कर बाहर करो। दूसरा पीछे आता है उसको भी निकाल कर, तीसरा, चौथा, जो भी मैनेजमेंट के खिलाफ बोलता है उन्हें निकाल कर बाहर फेंको। क्या ज्यादा ज्यादा सारे वर्कर्स खत्म हो जाएंगे, हम बिना वर्कर्स के अपनी कंपनी चला लेंगे, खाली मशीन से काम करवा रहे हैं, वो भी नहीं हुआ तो कंपनी बंद कर दें, ठीक है ना? तुमने शराब पी है? हाँ यार धर्मेश, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। आगे खुली रखता हूँ तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता हूँ, आँखें बंद रहेंगी तो नजरें मिलाने का सवाल ही नहीं उठेगा। सतीश तुम अभी होश में नहीं हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, तुमसे बाद में बात करता हूँ। रमेश, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब शराब अंदर जाती है तो सच्चाई खुद ब खुद बाहर आती है, इंसान पिया होता है तो वो बहुत सच बोलता है। तुम्हारे मुताबिक सच क्या है? सच ये है कि हम इंसान बहुत सेल्फिश, बहुत ही मतलबी, क्योंकि इंसानियत की सीढ़ियां इतनी नीचे उतर चुकी हैं कि हमें सिर्फ अपनी खुशी, अपनी कामयाबी नजर आती और कुछ नहीं। क्यों जब चाहे उसके लिए कोई मरता है तो मरे, उसका घर टूटता है तो टूटे, बर्बाद होता है तो बर्बाद, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी खुशी है वही सब नजर आती, अपना परिवार नजर आता, अपनी कामयाबी नजर आती। जब हम पूंछ में आग लगे हुए उस जानवर की जैसे हैं जो कि अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर कूदता है, भागता है, लेकिन पीछे ये नहीं देख पाता कि पूरी दुनिया जल चुकी है। ये बात कहूँ ना, सीधी बात अगर कहते हैं तो हम इंसान कहलाने के लिए नालायक है। नालायक? सतीश क्या कर रहे हो, संभालो अपने आप को, लोन के पेपर से ही। इट्स ओके धर्मेश, इतनी भी नहीं पी है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाऊं। हाँ एक बात और, जो भी बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। धर्मेश तुमने मुझे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है, पैसों के लिए जी ऊंचा सोचो, दिमाग से सोचो, अगर ऊपर पहुंचना है तो किसी और के सर पर पैर रख करके बस चढ़ जाओ और न जाने क्या। कुछ चीजें कभी मेरे ख्यालों में भी नहीं थी, आज वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। कहने को तो जी रहा हूं लेकिन पल पल मर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जमीन मर चुका है, उनका खून मेरे हाथों हुआ है। सर अपने आप को संभाल, मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने तुम जैसे इंसान के साथ शादी करने के लिए हाँ कैसे कही। सतीश ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? काश तुम ये बकवास समझ पाते हैं। डर लग रहेगी क्षति सर आगे जाके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ा कर दे। सुलोचना तुम अर्जु की बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे वो तो हमारी सबसे समझदार और सयानी बेटी है। उसकी समझदारी से अब मुझे डर लगने लगा, पता नहीं क्या सोचकर वो ये सब कर रही। अर्जु को समझाना, उसे मनाना,
मुझे दुनिया की सबसे आसान चीज लगती थी, लेकिन अब उसकी जिद देखकर मुझे बहुत टेंशन होता। सुलोचना, ओहो, वो ऐसे प्यार के पीछे भाग रही है जिसका कोई भविष्य नहीं है। सच कहूं, वो भले लाख कहें कि वो मानव की मदद सिर्फ इंसानियत के खातिर कर रही है, लेकिन असलियत यही है कि मानव के लिए उसके मन में जो प्यार है, वो प्यार उसको मानव के लिए लड़ने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन पता है इसका अंजाम क्या होगा? हमेशा की तरह हमारी अर्चू के हिस्से में सिर्फ दुख और दर्द आएगा। जब उसने जयवन के लिए हाँ कहा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे अर्चू की जिंदगी नए सिरे से शुरू हो जाएगी। लेकिन अचानक वो फैक्ट्री का हादसा हुआ और होनी को कौन टाल सका है सुलोचना, जो हम टालेंगे। लेकिन कुछ भी हो, मुझे पूरा यकीन है हमारे अर्जु का भला ही होगा। बारे में कोई बात करने आई है तो मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि तू चाहे जितनी सफाई दे, तेरी कल की हरकत का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तुझे क्या लगता है, तूने सतीश का इतना इंसल्ट किया, धर्मेश का थप्पड़ मारा और हम लोग चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सहन करते रहे? वर्षिप भाई, ये नहीं हो सकता। हमारी वो ताई जिसकी हम दिल से ज्यादा इज्जत करते थे, वो तो रही नहीं है। तू तो कोई और ही है जो सिर्फ और सिर्फ मानव के बारे में सोचती है। उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई है कि तुझे सही और गलत का फैसला करना ही नहीं आता। भाई, कहते ना, प्यार इंसान को इंसान से जोड़ता है, लेकिन तेरा प्यार तुझे हमसे तोड़ रहा है। वर्षा, तू ऐसा क्यों कह रही? वर्षा, कम से कम तू तो मुझे समझ। क्या समझो भाई, हमारे को सब कुछ समझ के बाहर हो चुका है। मुझे अभी मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, लेकिन तेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरा प्यार तुझे हमसे कहां से कहां लेके जा रहा है। ये बात नहीं पता चल रही कि ये सब बातें हमें तुझे क्यों समझानी पड़ रही। ये क्यों नहीं समझ रही कि तू हमसे दूर जा रही है? ताई, दूर जा रही है तू हमसे। प्लीज, अब भी वक्त है, संभल जा ताई, संभल जा हम लोगों से दूर। जितनी हमें तेरी जरूरत है ना, उतनी तुझे भी हमारी जरूरत है ताई। बस क्या करूं, कहाँ जाऊँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा एक फैसला न जाने कितनी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, और अगर वो गलत हुआ तो अर्चना, अर्चना तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? कहाँ जा रही? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं सतीश, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे आप मेरी जिंदगी पर बहुत एहसान कर चुके हैं। अर्चना, कहते हैं ना सतीश कि हमारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान हमें कोई ना कोई सीख देकर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी। मुझे मेरे दोस्त ने ये समझाया कि पूरी दुनिया में कभी किसी पर विश्वास मत कर, क्योंकि अपने ऊपर जब बारी आती है ना, तो अपने ही अपनों का साथ सबसे पहले छोड़ते हैं। आपको याद है सतीश, एक दिन आपने मुझसे कहा था कि अर्चना, मुझे तुम सबसे करीबी दोस्त समझना, और मैंने आपकी इसी बात पर विश्वास किया और आपसे दोस्ती कर ली।
लेकिन आप वो दोस्ती नहीं निभा पाए सतीश जी। अर्चना, अर्चना मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया वो माफी के काबिल नहीं है अर्चना, लेकिन ये कहूंगा कि तुम एक बार खुद को मेरी जगह रख कर देखो। इंसान हर बार जानबूझकर गलती नहीं करता, कई बार मजबूरी में आकर आपको गलती करनी पड़ती है। हाँ सतीश जी, करनी पड़ती, लेकिन मैं उन सतीश जी को जानती थी जो जो कभी हालातों के सामने झुके नहीं, और इसी बात पर उसी बात को लेकर मैं उनकी इज्जत किया करती थी। सतीश जी, मुझे ऐसा लगता था कि सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन आप मेरा और मानव का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा से सच्चाई का साथ देते आए थे, और मुझे मुझे इसी बात पर यकीन था कि आप मानव को जैसे जरूर छुड़ाएंगे, लेकिन आप वो अच्छे इंसान रहे नहीं सतीश जी। आप बदल चुके, बहुत बदल चुके। आप मेरी बहन के पति हैं, इसके नाते मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन एक इंसान होने के नाते आप मेरी नजरों से उतर चुके हैं। मैं सच कह रही हूँ सतीश जी, जितनी तकलीफ मुझे मानव की गिरफ्तारी पर हो रही है ना, उतनी तकलीफ मुझे तब हुई जब आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। जब मुझे जयवंत और धर्मेश की सच्चाई पता चली तो मुझे सदमा हुआ, लेकिन जब आपके इस विश्वासघात का पता चला तो मैं टूट गई। अरे मुझे 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 तो अपने आप पर पछतावा हो रहा है कि मैंने आप जैसे इंसान से दोस्ती की। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। देवी आई, आज मैं तुझे अतारावर आ लिए, माला तुझी मदद आवे। देवी आई, मैं बहुत बड़े भवन में फंस गई हूँ। एक तरफ माना और दूसरी तरफ मेरा परिवार, और मैं दोनों को ही दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन अगर एक की तरफ झुकती हूँ तो दूसरे के साथ अपने आप अन्याय हो जाता। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तेरे पास मैं इसी विश्वास के साथ आई हूं कि तू मेरी मदद करेगी। मैं क्या करूं। वही कर जो तेरा मन कहता है। स्वाति, क्योंकि इस दुनिया में मन से बड़ा और कोई नहीं होता है। हमारा मन हमें वही कहता है जो सही है, हमारे भले की कहता है। सवाल ये है कि हम उसकी बात मानते हैं या नहीं। स्वाति तू ये कह रही, स्वाति तू जानती है ना कि अगर मैंने अपने मन की सुनी तो जयवंत का क्या होगा। तो उसकी बहन होकर भी उसके खिलाफ मेरा सपोर्ट क्यों कर रही। अर्चना, सवाल किसी रिश्ते का नहीं है, ये बात है सही और गलत की, न्याय और अन्याय की। परमेश्वर ने हमारे सामने दो रास्ते रखे हैं, अब ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसमें से सही राह चुनें। अर्चना, ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। कोई कुछ भी कहे, मुझे पूरा विश्वास है कि तू कभी गलत नहीं हो सकती। पुढ़े वाड़ अर्चना, तेज कर जे तुझा मनाला बरं वाटतंय। बस बिना सोचे समझे कर डाल, आणि पुढे जे पण होईल वो जिम्मेदारी आई महालक्ष्मी की।
आई मुझे तेरा जवाब मिल गया, तू ही रास्ता दिखा रही रब जा। ठीक है, अब जो मेरा मन कहता है मैं वो करूँगी। मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करके मानव को छुड़ाऊंगी। फिर अगर सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाती है तो मुझे उस बात का कम नहीं। जय महालक्ष्मी। अरे कमाल हो गया, आज आपके कदम इस दिशा में कैसे आ गए? मानव अभी तक वहीं पे है, उस कोठरे में। उससे नहीं मिलना चाहेंगे आप? नहीं, आज मुझे आपसे काम। कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? मुझे डीएस ऑटोमोबाइल्स के मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। कैसी कंप्लेंट? यही कि हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए मानव को फंसाया, उनके खिलाफ झूठे सबूत, झूठे डिक्लेरेशन पेपर तैयार करा, जबकि उस दिन फैक्ट्री में जो दो मौतें हुई उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की लापरवाही जिम्मेदार थी और कुछ नहीं। और जहां तक मानव की बात है, मानव ने इन मशीन के बारे में पहले ही बता दिया कि ये मशीनें खराब है, लेकिन मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से ये मशीनें रिप्लेस नहीं हो पाई। मानव फाउंड्री इंचार्ज है, लेकिन इस एक्सीडेंट को लेकर मानव दूर दूर तक कहीं से रिलेटेड नहीं है, और हाँ, और ना ही वो इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और मानव का कबूलनामा भी। वो सब झूठ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मानव के जेल के जाने के बाद बने। और जहां तक मानव के कबूलनामे का सवाल है, वो मानव ने दबाव में आकर साइन किया था और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। ये क्या आप हम किए जा रही हैं? आखिर इस हम का मतलब क्या है? मैं बताती हूँ आपको इस हम में कौन शामिल है। इस फैक्ट्री के मालिक मिस्टर धर्मेश, उनके पार्टनर मिस्टर सतीश, इस कंपनी के मैनेजर मिस्टर जयवंत राणे और इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर अर्चना करंसकर, जो कि मैं खुद हूँ। इसका मतलब ये है कि आप अपने खिलाफ खुद रिपोर्ट लिखवा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर चार गुनहगारों में से एक गुनहगार भी अपना गुनाह स्वीकार कर रहा है तो मानव को छोड़ देना चाहिए, है ना? ये लो साइन करो। ए शिंदे, छोड़ दे मानव देशमुख को। ए मानव, चल हो गई तेरी छुट्टी। कैसे? अरे वो लड़की आती है ना अर्चना, उसने तुझे छुड़वाया, चल आजा। ये अर्चना का कबूलनामा इसे फाइल में लगा दे। अर्चना, ये क्या किया तुमने? अर्चना, ये क्या किया तुमने? ये पागलपन है। तुमने अपने साथ ऐसा, आपने भी तो ऐसा किया ना मानव, आपने भी तो अपने आप को तकलीफ दी ना मानव, आपकी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी आपने इतनी सजा भुगती, और जाने अनजाने मैंने गलती की। अच्छा ये मानव, रिश्ता बना है तो निभाना तो पड़ेगा। मानव सच कह रही हूँ, अंदर ही अंदर मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, लग रहा था जैसे मेरे दिल पर बहुत बहुत बोझ है। अब अच्छा लग रहा है, जब मैं खुद सजा भुगतूंगी ना, तब मुझे लगेगा कि मैंने आपके साथ वाकई में न्याय किया। ऐसा कुछ नहीं होगा अर्चना, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा अर्चना। तो फिर मानव आपको यहां से निकालने का मतलब क्या है? घर पे सब आपका इंतजार कर रहे, आई इंतजार कर रही, श्रावणी, बाबा, सचिन, सब लोग। आप घर जाइए। अच्छा मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। आप मेरी चिंता मत कीजिए मानव, मेरे घर वाले मुझसे नाराज है, लेकिन वो जल्दी मेरी बेल करा लेंगे। आप घर जाइए। मानव आपको मेरी कसम, आप घर जाइए प्लीज मानव, जाइए।
अब तक इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। ठीक है, अब मैं इन लोगों की जिद अपने तरीके से तोड़ूंगा। आज तक इन्होंने धर्मेश की अच्छाई देखी है, जब वो बुराई पर उतर आता है तब क्या होता है इनको मैं अब दिखाऊंगा। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप यहाँ? सॉरी टू से मिस्टर जयवंत, आप दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? आप लोगों के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज हुआ है। चलिए चलिए, आइए सर। सतीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या सतीश को पुलिस ने गिरफ्तार किया? लेकिन आई, ये कैसे हुआ? क्यों 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 कैसे, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, लेकिन शायद धर्मेश और जयवंत की भी गिरफ्तारी हुई है। कुछ कुछ करो वर्षा। आई आई आई, एक मिनट, आप टेंशन मत लीजिए, आप बाबा का ख्याल रखिए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ आई दादा, सतीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ? और साथ में धर्मेश और जयवंत को भी। कैसे, क्या हुआ? क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन ने मानो को बचाने के लिए मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट कर दी हो? प्लीज अर्चना करंजकर ने कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाया। इंस्पेक्टर साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि अर्चना खुद मैनेजमेंट बॉडी का एक हिस्सा है। जानता हूं, इसलिए उन्होंने खुद के खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज करवाया है। अर्चना, तुम? सतीश जी, अभी जयवंत ने कहा कि मैं इस मैनेजमेंट का एक हिस्सा हूं, इसलिए उन दो वर्कर्स के साथ जो कुछ भी हुआ, मानव के साथ जो अन्याय हुआ, उन सबकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं भी, और मुझे ऐसा लगता है मुझे भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। और सजा से दूर भागना, ये मेरे उसूलों में नहीं है।